हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? बस बड़े दिनों बाद कोई ट्रेलर देखने जा रहे हैं हम, एंड ऑल्सो वो भी इतना बड़ा लाइक ट्रेलर आया है आज। वो है जवान का ट्रेलर, हमारे SRK का। इसका जो प्रीव्यू हमने देखा था, यानी टीजर हमने देखा था, भाई मतलब हमने सोचा था कि पठान ही, मतलब इट वॉज ऑन अनदर लेवल। बट अभी जवान जो है, मतलब वो भी इनसेन यार। SRK इतना ज्यादा तगड़े तगड़े वीडियोस ला रहा है। मैं तो यही बोलूंगी यार, सिर्फ हमारे SRK उठा पाएंगे अभी बॉलीवुड को फिर से जैसे वो था। लिटरली बोलूं मैं, जब मैंने हमने देखा था जवान का लाइक टीजर, मैं तो आई वॉज लाइक शॉक्ड, फुल ऑन सरप्राइज यार, कि पठान से भी ये तो मतलब सौ ना, इट्स लाइक फर्दर फ्रॉम दैट। सो आज हम यहाँ पे जवान का ट्रेलर लेके, सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो ट्रेलर इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। पूरे देश में सनसनी मचा दी है। ये बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। ओके। तो फैन बने पड़े मैम। कोई नाम है? SRK। रेडी। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो छह लड़कियां, यही लड़की है। मुझे इंप्रेस करने के लिए हार जाती और तुम्हें पहले गया था। वो उसने क्या अपने हेड है क्या? They wanted to make a clear statement. जब मैं विलन बनता हूँ ना, विलन, माय नेम इज काली, फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड। अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो लेट्स मेक इट इट। हम जवान हैं, अपनी जान हजार बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किस नहीं। सो काली, नो डील। बेटे को हाथ लगाने से पहले मासी 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 ओ बाप से बात कर। ओ ओ ओ अब और क्या चाहिए? ये गाना रिलीज हुआ है ना? हाँ, एडवांस स्टार्ट्स फ्राई। कब रिलीज होने वाला है? 7 सितंबर। आई एम गोइंग टू बुक टिकट भाई, मेरे यहाँ पे तो पहले ही सारे टिकट बुक हो जाने हैं। ओ भाई साहब, अगर मैं सच्ची में यहाँ पे बोलूँ तो द मेन हाईलाइट फॉर मी हियर वॉज और SRK सर बींग इन दैट ड्यूअल रोल। भाई वो पहली बार तो हाईजैक किया है ट्रेन या मेट्रो को, और सेकेंडली इन हियर ही हिम बींग द पुलिस एंड कॉप, जो जवान बोलते हैं द सोल्जर। वो एक जो ट्रांजिशन जो भी दिखाई दिया है यहाँ पे मेरे को, वो आई एम लाइक लविंग दैट। एंड ऑल्सो एक डायलॉग जो था कि हम जवान 100 बार मर सकते हैं बस सिर्फ अपने देश के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स ही सेड दैट देयर इज अ
Kali, there is a no deal. And our Sethupathi sir, him being the villain. Just one thing I want to say about Sethupathi sir's villainism era is starting, like it is right now, the villainism era. Like we have been seeing our Sethupathi sir as a negative role in like itne sare movies mein we have been seen, and him being performing like Sethupathi sir, like this, and coming back to the actors, actresses. Yes, in here, Nayanthara ma'am, first of all, and also our Deepika ma'am in here. Kya, and Sanaya, wo bhi hai toh. बट मैं यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट कि दीपिका का ये जो एक्शन सीन्स होने वाला है ना इस मूवी में, फॉर मी वो एक हाइप बना हुआ है कि हमारे एसआरके और दीपिका के बीच में जो होने वाले हैं. एंड ऑल्सो मूवी मेरे को ये ट्रेलर में ना मेरे को कहीं पे ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा मिसिंग ऐसा कुछ लग रहा है. आई डोंट नो लाइक क्या है एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा सा किधर तो लाइक ऐसा लग रहा है कि जो मेरे को एड्रेनलिन रश जो होना चाहिए था, जैसे मैंने ये टीजर देख के मेरे को जैसे हुआ था फुल ऑन शॉकिंग सरप्राइजिंग, वो उतने ज़्यादा ये मतलब उतना ज़्यादा ये ट्रेलर देख के मुझे ऐसा नहीं लगा. बट एसआरके का ये जो परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग्स, जैसे द वन लाइनर्स और द सार्केज्म के जो थिंग्स है परफेक्टली मैच किए गए हैं ना, मेरे को वो बहुत सही लग रहा है सच्ची में. मतलब सिचुएशन के हिसाब से द वे द वन लाइनर्स और सार्केज्म हैज बीन एडेड, जहाँ पे लास्ट में एक गाना सुना दो और क्या चाहिए जब नंदा ने बोला. और ऑल्सो स्टार्टिंग का मतलब दो तीन ऐसे भी थे वेन मतलब हाईजैक होने के बाद दे वर लाइक थिंग्स लाइक दैट कि मतलब ये बात तो है कि यार पहली बात तो हाईजैक क्यों हुआ है एंड ऑल दैट थिंग्स. तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ एक्चुअली 7 सितंबर के लिए. मेरे ख्याल से टिकट्स देखेंगे यार, अभी मेरे ख्याल से बुक हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से, तो देखेंगे अगर मैं और मेरे सिटी में ऐसा भी है कि मतलब टिकट जल्दी ओपन ही नहीं होते. आई जस्ट डोंट नो व्हाई, मतलब कौन सा क्या है. देखो सोलापुर, ओके ठीक है, देखेंगे अभी है ना. मेरे ख्याल से ऊपर नहीं उतरेंगे. देख मैंने बोला था इट्स नॉट, आई जस्ट न्यू इट. ठीक है, ये मतलब जब ओपन होगा तभी बुक किया जाएगा. एंड ऑल्सो यहाँ पे जो लुक था ना, जो हमने फुल ऑन ये जो लुक्स है सारे के सारे हमने टीजर में ही देख चुके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा है मुझे. एंड वो जो काली का जो पावर रोल है ना, इज लाइक फोर्थ बिगेस्ट डीलर ऑफ द वेपन्स इन द वर्ल्ड. मतलब समझ सकते हो कि वो आया है हमारे एसआरके के पास लेके एक डील, बट बीइंग अ जवान ऑफ द कंट्री ऑफ द देश डिनाई किया, तो वो डिनाई के बदले में ही ये फुल ऑन धमाका जो भी है वो होने वाला है. एंड ये जो ड्यूअल रोल का जो सिलसिला है, हाईजैक का जो सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, वो किसके बारे में है. मैं आई बी लाइक सो एक्साइटेड टू वॉच इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोल्स है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है और बहुत डेंजरस स्टोरी है जो हमको पता लगने वाला है इन वन वीक. लेकिन वो क्या है, हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू लाइक टेक द ट्विस्ट एंड टर्न्स, मेरे को वो बहुत ज्यादा जानना है. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द बीजीएम, आई जस्ट कांट रेजिस्ट यार. मैं सच्ची में रेजिस्ट नहीं कर सकती हमारे अनिरुद्ध सर का बीजीएम जो भी म्यूजिक ये देते हैं, चुमेश्वरी होता है. जस्ट दैट आई वांट टू से, और मैं वेट नहीं कर सकती यार. आई जस्ट गेस मैं, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे इफ मैं पूछूंगी तो. लेट्स सी, अगर जवान का मैं मूवी देखूंगी तो रिव्यू जरूर आएगा. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.